नमस्कार, एसएन सुधा में आपका स्वागत है। मैं हूं शिव कुमार तिवारी। एक बार पुनः हम आपको विश्व प्रसिद्ध सिद्धपीठ सालासर धाम का दृश्य दिखा रहे हैं, जहां पर हनुमान जी महाराज की दिव्य धाम की स्थापना के 267 वर्ष के उपलक्ष्य में पुजारी परिवार के द्वारा मालू परिवार सदासर के सानिध्य में दिव्य वाल्मीकि रामायण का आयोजन किया गया, जिसमें विश्व प्रसिद्ध कथा प्रवक्ता पद्म भूषण जगत गुरु राम भद्राचार्य जी मुखार जिनसे हम कथामृत का पान कर रहे हैं। आइए पांचवें दिवस की कथामृत का पान करते हैं। सिद्धपीठ सालासर धाम का दृश्य आप देख रहे हैं। बालाजी के दिव्य धाम की स्थापना के 267 के उपलक्ष्य में आयोजित दिव्य वाल्मीकि रामायण में आज आप देख रहे हैं पंचम दिवस में व्यास पूजन हो रहा है। पवन जी पुजारी जगत गुरु रामभद्राचार्य जी महाराज का पूजन कर रहे हैं। और अब देवकी नंदन जी पुजारी व्यास पूजन कर रहे हैं। पद्म विभूषण जगत गुरु रामभद्राचार्य जी महाराज से आशीर्वाद ले रहे हैं। अब अग्रिम कार्यक्रम के लिए आदरणीय अपार कृष्ण शास्त्री जी, आप देख रहे हैं हंसराज जी पुजारी आशीर्वाद ले रहे हैं। श्री पाल प्रसाद जी पुजारी, श्री मांगेलाल जी पुजारी, श्री मोहनलाल जी पुजारी, विजया देवी जी मालू आशीर्वाद ले रही हैं। लाली पुजारी आशीर्वाद ले रहे हैं। हनुमान सेवा समिति अध्यक्ष जी पुजारी भी आप देख रहे हैं। पुजारी परिवार आशीर्वाद ले रहा है। महावीर प्रसाद जी पुजारी आशीर्वाद ले रहे हैं। हनुमान सेवा समिति के अध्यक्ष यशोदा नंदन जी पुजारी आशीर्वाद ले रहे हैं पुष्पहार पहनाकर। मदन लाल जी इनानिया आशीर्वाद ले रहे हैं। के लिए झालर शंख नंगारा बाजे रे, सालासर के मंदिर में हनुमान बिराजे रे। गुरु जी के चरणों में प्रणाम करते हुए, गुरु जी की एक पुस्तक है मेरी स्वर्ण यात्रा, उसमें बहुत ही सुंदर वर्णन है। उस पुस्तक में चित्रकूट के घाट पर भय संतन की भीड़, तुलसीदास चंदन घिसे तिलक देत रघुवीर, यह प्रसंग भी है। गुरु जी आज के इस युग में आपके श्रीमुख से राम कथा और अन्य कथाओं का वर्णन जब सुनते हैं तो इस बात की अनुभूति होती है कि आज के युग में स्वयं आप तुलसीदास जी महाराज विराजमान है। इस पुस्तक में गुरु जी ने न्यूज शब्द का उल्लेख किया है, NEWS न्यूज। उस शब्द की व्याख्या में रामायण जैसे को उसमें शामिल किया गया है। गुरु जी का यह कहना है कि न्यूज शब्द में ही संपूर्ण रामायण है। कहने को बहुत कुछ है, बस हो गया है।
गुरु जी को सभी की ओर से सादर प्रणाम वंदन। नमोस्तु रुद्रेन्द्रयमानिलेभ्यो नमोस्तु चन्द्रार्कमरुद्गणेभ्यः नीलाम्बुजश्यामलकोमलाङ्गम् सीतासमारोपितवामभागम् पाणौ महासायक चारु चापम् नमामि रामं रघुवंशनाथम् सदूषणापि निर्दोषा सखरापि सुकोमला नमस्तस्मै कृतायेन
रम्या रामायणी कथा श्री सीतानाथ समारंभां श्री रामानंदार्य मध्यमां अस्मदाचार्य पर्यंतां वंदे श्री गुरु परंपरा श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधार बरनौ रघुबर बिमल जस जो दायक फलचार श्यावर रामचंद्र भगवान की जय हो। सब लोग गाया करो कीर्तन, हम देखते श्रोता गाते नहीं है, ऐसे छानिया जी बिल्कुल नहीं गाती हूँ, मूर्ख बिल्कुल गाया करो, विजय माता खुल के गाओ सब ठीक हो जाएगा, खुल के गाओ सीताराम हनुमान सीताराम हनु सीताराम हनुमान सीताराम हनु ताली बजाओ सीताराम मेरे बात गाय करो आप गाओ कोमल मन दोष रहित परिपूर्णतम परात्पर परमात्मा भगवान श्री सीताराम जी की कृपा से और सालासर मंदिर में विराजमान बालाजी महाराज हनुमान जी महाराज की इच्छा से आज मोहन धाम में आयोजित श्री वाल्मीकि रामायण की पंचम सत्र में समवेत आप सबका, आप सभी मित्रों बालिकाओं बालकों और संस्कार से सुन रहे श्रोताओं का बहुत बहुत अभिनंदन। यहाँ के पुजारी सभी
और दोनों परिवार, ईश्वरदास जी का परिवार, कनीराम जी का परिवार, सब शुद्ध ब्राह्मण समर्पित अच्छा लगता है। वयोवृद्ध पुजारियों में अच्छे अच्छे लोग, बहुत अच्छे अच्छे, बजरंग लाल जी नहीं रहे, इसमें विजय जी भी नहीं रहे, अब हैं महावीर प्रसाद जी और देवकी नंदन जी। इनको एक दायित्व दिया है मैंने कि गया जी में जो मेरी कथा हो रही है उसमें इनको अधिक से अधिक पोथियां करवानी है। हंसराज जी आइए चले वाल्मीकि रामायण के लिए। कल तो कृष्ण बालकृष्ण जी नहीं थे तो कह रहे संभवता, अरे संभवता काहे को, अब तो पांचवा दिन, अब तो राम जी का विवाह होना ही चाहिए। देखिए वाल्मीकि जी ने भी, अब यहां विषय बहुत गंभीर तो सुनिएगा आप लोग, वाल्मीकि जी ने और तुलसीदास जी ने, वाल्मीकि जी ही तुलसीदास जी बन गए। कल तुलसी जयंती भी होगी। इन्होंने भगवान राम को एक वीर के रूप में प्रस्तुत किया है। हमारे भगवान राम नपुंसक नहीं है, फिर गंभीरता से बहुत गंभीरता से चर्चा करूंगा। हमारे भगवान राम नपुंसक नहीं है, ये ध्यान लीजिए। कुछ बातों में मैं, कुछ ऐसे प्रकरण है जिनमें मैं बौद्धों से, जौनों से थोड़ा मेरा विचार अलग है। इन्होंने वेद के विरुद्ध व्याख्यान करके भारत को नपुंसक बना दिया, निर्वीर्य बना दिया। इसे 2000 वर्ष हमारा देश गुलाम रहा। और वैदिक व्याख्या के अनुसार यो माम योस्मान ध्रुवत्तम दुर्वयम वयम ध्रुवामः, वेद कहते हैं कि जो हमको एक चाटा लगाए उसे 10 चाटा लगाना चाहिए। जय हो। इसी को हमारी भाषा में कह दिया, हिंदी में कबीर साहब कहे थे जो जो तो को काटा वो ताहि बहु तो फूल। हमने कहा कहे को, जो तो को काटा बोए ताहि बहु तो भाला। जय हो। और वो भी, अब मैं वही कहूंगा, वो भी साला क्या समझे कि पड़ा किसी से पाला। जय हो। यदि कोई हमारी गलती न होने पर एक चाटा लगा, 10 चाटा जड़ देना चाहिए। आज हमारा पड़ोसी देश ललकार रहा है, हमने तो कह दिया मोदी जी से, एक बार सर्जिकल स्ट्राइक किया था, फिर करो बेटा, आनंद आ जाए, झूम जाए। सर्जिकल किया था, फिर हो जाए, जो कुछ होगा होगा। करगिल के बाद से हमारा शौर्य सबको पता चल गया है। हमने पोखरण में परमाणु परीक्षण किया, जब अटल जी प्रधानमंत्री था तो उनकी स्थिति बड़ी गंभीर हो गई है। पोखरण में परमाणु पर सब चिल्लाए, पर हम अमेरिका से नहीं झुके। अब हम किसी से झुकेंगे नहीं। ये राजस्थान वीरों की भूमि है, वीरांगनाओं की भूमि है। ये हमारा तो मत है कि प्रत्येक लड़की को कराटे सीखने चाहिए।
कल देखा यहाँ की एक कन्या को बहुत अच्छा लगा, मिताली नाम है, छोटी सी कन्या है, क्या बढ़िया कराटे का प्रयोग करती, आनंद आ जाता है। राम जी यही कह रहे हैं, अपनी रक्षा स्वयं करो, किसी का मुख मत देखो। सीता जी, मुझे सीता जी का चरित्र बहुत भाता है, बहुत। राधा जी भी अच्छी लगती है, इसमें नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है, पर सीता जी का चरित्र एक विचित्र ही है, वीर सुन का है सीता जी। कथा यह है, मिथिला में जन्म लिया, 4 वर्ष की है, अभी 4 वर्ष के हैं, घूमते घूमते आई जहां जनक जी की यज्ञशाला थी, वहीं धनुष रखा था शिव जी का। शिव जी ने, सीता जी ने पूछा, कैसा धनुष? जनक जी ने कहा, बेटी ये तो इतना भारी है कि इसको कोई उठा ही नहीं पा रहा है। नास्य देवान गंधर्वा। सीता जी ने कहा, अच्छा इसे कोई नहीं उठा पा रहा है? सबके देखते देखते सीता जी ने धनुष को बाएं हाथ से पकड़ा, मोड़ दिया, उसकी डोरी को कोड़ा बनाया और धनुष को ही घोड़ा बना दिया। जय हो। और घोड़े पर 50 बार चढ़ी, टिक 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 करती थी और कोड़ा लगाती थी कि ससुरा अड़ियल हो गया है। जनक जी रोकते रहे पर सीता जी नहीं मानी, 50 बार इसको घोड़ा बनाकर घसीटा धनुष को। यह दृश्य देखकर गोनंदिनी घोट को चकार, यह दृश्य देखकर जनक जी ने प्रतिज्ञा की, करे मेरी बेटी इतनी शक्तिमती, जिसको देवता दा देवदानों नहीं उठा पाए, उस धनुष को घसीट कर घोड़ा बना दिया। तब जनक जी ने प्रतिज्ञा कर ली कि नहीं, अब मैं अपनी बेटी का ऐसे विवाह नहीं करूंगा, अब तो जो व्यक्ति इस धनुष को मोड़कर इस पर डोरी चढ़ाएगा और तोड़ेगा उसी के साथ सीता जी का विवाह होगा। नृप भुज बल विधु शिव धन राहु गर्व कठोर विदित सब काहु। नृप भुज बल विधु शिव धन राहु गर्व कठोर। रावण बाण महाभट भारे देखि सरासन गवहीं सिधारे। बोलिए रावण बाण महाभट भारे देखि सरासन गवहीं।
जनक जी ने प्रतिज्ञा कर ली कि मैं सीता जी के साथ उसी के साथ सीता जी का विवाह करूंगा। धनुरारंभ जो वीर दर्शयित्वा पराक्रमम्, मध्ये भंजित तम सीता वरिष्यति न संशयः। जो इस धनुष को झुकाकर डोरी चढ़ा देगा और तोड़ देगा वो शिक्षा सीता जी का विवाह होगा। प्रतिज्ञा कर ली, तीनों लोकों में घोषणा कर दी गई। स्वयंवर रचा जा रहा, इधर जैसा आप जान ही रहे हैं और वाल्मीकि जी भी यही कहना चाह रहे हैं कि श्री राम कथा राष्ट्र की कथा है। नोट करिए, राष्ट्र की कथा है श्री राम कथा, राष्ट्र की कथा है। श्री राम राष्ट्र के सूक्ष्म रूप हैं और राष्ट्र श्री राम का विराट रूप है। रावण आतंकवादी है, आतंकवादियों का सरगना है रावण। आजकल के आतंकियों से भी करोड़ों गुने अधिक खतरनाक है वो। रावण के सामने बगदादी आदि कुछ नहीं है उसके सामने। सारा भारत आतंकवाद के कहर में है। पूर्व में आतंकवाद फैलाया रावण ने, सारे राज्य अपने वश में कर लिए और बक्सर में छावनी बनाई। उसकी लेफ्टिनेंट बना दिया ताटका को। इधर दक्षिण में सारे राज्यों को अपने हाथ में करके नासिक के पास छावनी बनाई, उसकी भी लेफ्टिनेंट सुरपणखा को बना दिया। उधर ताटका, इधर सुरपणखा, 14,000 सैनिक उधर, उतने ही इधर। सभी चिंतित है कैसे किया जाए। रावण का मूर्छा कैसे लिया जाए। हाहाकार मच गया। ना तो दशरथ जी को चिंता है ना जनक जी को।
दशरथ जी चारों बेटों को दुलारने में मस्त हो गए और जनक जी चारों बेटियों को दुलारने में मस्त हो गए। यहां राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न, वहां सीता मांडे में उर्मिला श्रुत कीर्ति, ये लोग अपने अपने मस्त हो गए। और अब चिंता संत को हुई, देखिए हमारे यहां संत की परिभाषा है, संत उसे कहते हैं स अंत जिसके सामने जहां जाकर समस्याओं का अंत हो जाता है उसे संत कहते हैं। जो हजार आश्रम बना ले वो संत थोड़े होता है, व्यर्थ की बात करके देश को नपुंसक बना दो ये संत है? अहिंसा परमो धर्म चिल्लाने लगे, अरे मां बेटी की इज्जत लूट रही हो तुम अहिंसा परमो धर्म मंत्र जपोगे? अहिंसा परमो धर्म, वहां बस तो अहिंसा परमो अधर्म। यही राजस्थान है, यही कोई दूसरा नहीं है। अकबर को कहते हैं कि बहुत अच्छा था, ग्रेट था, मैं तो कहूंगा ये सबसे बहुत सबसे अधिक दुष्ट अकबर ही था, और सब लोग तो खुलेआम विरोध करते थे, ये स्वीट पॉइजन देता था मूर्ख। हिंदुओं को बहकाया दीन इलाही धर्म चलाकर, इसने भी मीना बाजार लगाई, मीना बाजार में भोली भाली महिलाओं की इज्जत लूटता था मूर्ख। क्या किया जाए? तब राजस्थान की ही बेटी थी आमेर की किरण देई, उन्होंने कहा कोई बात नहीं मैं इसको प्रसाद दूंगी। मीना बाजार में वो भी आई, और जो उनके ऊपर हाथ बढ़ाया तो सिंहिनी की भांति उछल पड़ी, पटक दिया उसको, जय हो, चढ़ बैठी छाती पर, तलवार निकालने का भी तुम्हारा काम तमाम करूंगी, नहीं तब कुरान की कसम खाओ कि आज से किसी भारतीय महिला को छेड़ोगे नहीं तुम। तो अद्भुत वही स्थिति बनी, आतंकवाद से भारत त्रस्त हो गया, किसी को चिंता नहीं। रावण का लोहा रावण से लोहा लिया जाए कैसे? तस्य चिंतायमानस्य मंत्रिमंडल मंत्र मंत्र मध्ये महात्मनः, तब विश्वामित्र जी को चिंता हुई, जय जय गाधि तनय मन चिंता व्यापी, गाधि तनय मन चिंता व्यापी, हरे बिनो मैं रही न निशिचर पा, हरे बिनु
विश्वामित्र जानते हैं कि रावण का लोहा तो राम जी ही ले सकते हैं, रावण से लोहा लेने का सामर्थ्य राम जी में। विचार किया, तत्सवितुर्वरेण्यम भर्गो देवस्य धीमहि धियो जो न प्रचोदयात्। ये देखो सरयू जी के तट पर, सरयू जी के तट पर राम जी खेल रहे हैं। रावण ने अनेक अनेक राक्षसों को मृग बना के भेजा है, सब राम जी के हाथों मारे गए हैं। पावन मृग मारे हैं जी जाने, दिन प्रतिदिन पहले दिखा वही बड़े बड़े राक्षसों को भेजा उसने मृग बनाकर, राम जी का बाल बांका नहीं कर पाया कोई। जे मृग राम बाण के मारे ते तंत्र से लोग सुधारे। अब राम जी के पास ही चला जाए, वहीं समाधान होगा। तुर्वरेण्य भर्गो देवस्य धीमहि, ओ वरेण्य है। जय हो। देखा, और उधर भी संकेत मिल गया। सीता जी ने शंकर जी को भेजा जाकर के विश्वामित्र को सपना राम रक्षा सुनाओ। शंकर जी रात में आए, उनको पूरी राम रक्षा सुनाई। शिरो में राघव पातु भालम दशरथात्मज कौसल्येयो दृशौ पातु विश्वामित्र प्रियस्तुति ग्राणम पातम खत्राता मुखम सौमित्रि वत्सल जिह्वाम विद्यानिधि पातु कंठम भरत वंदित स्कंधौ दिव्यायुध पातु भुजौ भग्नेश कार्मुक करौ सीतापति पातु हृदय जाम दग्निजित मध्यम पातु खरध्वंसी नाभिम जाम्बवदाश्रय सुग्रीवेश कटी पातु सक्थिनी हनुमत प्रभु जानुनी सेतु कृपातु जंघे दशमुखांतक पादौ विभीषण सीत पातु रामोखिलं वपु। पांच श्लोक अपने पांचों मुखों से शंकर जी ने सुनाया। आदिष्टवान यथा स्वप्ने राम रक्षामि माम हरः तथा लिखितवान प्रातः प्रबुद्धो बुध कौशिक। भाल की रक्षा दशरथात्मज करेंगे, नेत्र की रक्षा कौशल्य करेंगे। देखो तुम्हारा नाम विश्वामित्र प्रीत, श्रुतियों की रक्षा करेंगे। चलो जाओ दशरथ जी के यहां, राम जी रक्षा करेंगे। राम जी रक्षा करेंगे तथा लिखितवान प्रातः प्रबुद्धो बुध कौशिक। बिल्कुल तैयार, और कह दिया आराम कल्प वृक्षाणाम विराम सकलापदाम अभिराम त्रिलोकानाम रामः श्रीमान सनक प्रभु। विश्वामित्र ने कह दिया ओहो, ओहो, ओहो।
सब लोग प्रेम से गाइए। हमें चिंता नहीं करनी, उन्हें चिंता हमारी है। हमें चिंता नहीं करनी, उन्हें चिंता हमारी है। हमें मदिरा ठीक से बजाओ। हमें चिंता नहीं करनी, उन्हें चिंता हमारी है। हमें चिंता नहीं करनी, उन्हें चिंता हमारी है। बचाएंगे परमेश्वर उन्हीं।
चिंता न करें।
निशान पकड़ो श्री चरण रख प्रभु के बनाकर मैंने गाया गीत। स्वामित्र क्यों चिंता करते हो, चलो अयोध्या चलिए। विश्वामित्र जी श्री अवध आए, चक्रवर्ती जी ने उनका बहुत सम्मान किया, पूजा की, भोजन करवाया। विश्वामित्र जी की आंखें तरस रही थी कि राम जी आ जाए। अंत में
तीनों माताएं चारों भाइयों को ले आईं। श्री राम, श्री भरत, श्री लक्ष्मण, श्री शत्रुघ्न, चारों बालकों को प्रणाम कराया और विश्वामित्र जी ने पहली बार परमेश्वर को निहारा। अरे अरे अरे, जिनको मैं कह रहा था भर्गो तत्सवितुर्वरेण्यम भर्गो देवस्य धीमहि, ये तो वही है, ये सविता के देवता हैं, सूर्य नारायण के भी देवता हैं, ये टक देखती रह गई विश्वामित्र। जानकी मंगल में तो लिखा है गोद में ले लिया राम जी को। कौशल्या जी से कहा कि आप थक गई होंगी, थोड़ा मैं लाला को गोद में ले लूं। विश्वामित्र जी ने गोद में ले लिया प्रभु को। राम ही भाई सहित जब ही मुनि जो है एक तक। दशरथ जी ने सोचा ये बाबा कहीं नजर न लगा दे, इसा के राम जी चलिए अब हम इनसे बात करेंगे, चलिए आप खेलिए आनंद कीजिए। राम जी चले गए। अब विश्वामित्र जी ने कहा, अरे चक्रवर्ती ने कहा महाराज आप अपने आने का कारण बताइए, क्यों आए हैं आप? विश्वामित्र कहा राजन कारण बहुत स्पष्ट है, मैं त्रेता युग के अनुसार यज्ञ करना चाहता हूं, परंतु मारीच और सुबाह मुझे यज्ञ नहीं करने देते, मुझे यज्ञ नहीं करने देते महाराज। राजन एक काम करो ना, स्वपुत्रम राजशार्दूल रामं सत्य पराक्रमं काकपक्षधरं वीरं ज्येष्ठं मे दातुमर्हसि। हे राजन स्वपुत्रम स्वज्येष्ठम पुत्रम ज्येष्ठम, हे राजन सत्य पराक्रमम काक पक्षधरम वीरम ज्येष्ठम स्वपुत्रम रामम मे दातुमर्हसि। हे राजन आप अपने ज्येष्ठ पुत्र को मुझे दे दीजिए। अरे हां राजन आप राज्य शार्दूल हैं, राजाओं के सिंह थे बेटा, सिंह का बेटा सिंह ही तो होता है राजन। काक पक्ष धर्म कंधावलंबिन केशा काक पक्षा प्रकीर्तिता, जिनके कंधे पर बाल लटक रहे हैं काक पक्ष से उसी केश को कहते हैं जो कंधे तक लटकता है। ऐसे राम जी को दे दीजिए राजन, और मैं वचन देता हूं राजन मारी सुबाहु तारका को राम जी ही मार सकते, कोई मार भी नहीं सकता। इच्छा हो तो लक्ष्मण जी को सहायता में दे दीजिए। ओ
दे दीजिए। सही कह रहा हूं राजन, बार 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 मांगी मांगी करीला विनतिया रघुवंशी राजा, बार बार मांगी मांगी करीला विनतिया हे रघुवंशी राजा, दे द आज राज लोचन राम हे रघुवंशी राजा, दे द आज राज लोचन राम हे रघुवंशी राजा, दे द आज राज लोचन राम हे रघुवंशी राजा, राक्षसन के मारी राघव सुजस कमई है हे रघुवंशी राजा, राक्षसन के मारी राघव सुजस कमई है हे रघुवंशी राजा, करी है ये घोर संग्राम करी है ये घोर संग्राम हे रघुवंशी राजा, दे द आज राज लोचन राम हे रघुवंशी राजा, दे द आज राज लोचन राम हे रघुवंशी।
जय हो। हे प्रभु, स्वपुत्रम राज सार्दूल रामम सत्य पराक्रमम, इस गाथा को तीनों गाएंगे, वाल्मीकि भी गाएंगे, तुलसीदास भी गाएंगे और गिरिधर भी गाएंगे। जय हो वाल्मीकि तुलसीदास, अरे गिरिधर हो कहीं है जी। राजे राम जी को इतना सुनकर चक्रवर्ती जी मूर्छित हो गए। वाल्मीकि रामायण में मूर्छित होकर के सिंहासन पर से नीचे गिर पड़े। मंत्रियों ने संभाला, एक मुहूर्त पर्यंत माने 24 मिनट तक मूर्छित रहे महाराज। फिर मंत्रियों ने संभाला, लब्ध संज्ञा, तब कहा कि महाराज क्या बताऊं, क्षत्रिय को 16वें वर्ष कवच धारण करना होता है, नियम है शास्त्र का। 16 वर्ष पूरे होने पर 16 वर्ष क्षत्रिय कवचम विभ्रियात, और मेरे राम जी भी कवच धारण करने की योग्यता में नहीं। उन 16 वर्षों में राम और राजीव लोचन है, अभी छोटे हैं, कैसे दे दूं महाराज। वही बात, हाथ जोड़े पाय परी, अरे करी लंबी नतिया ही, अरे बक्सर के बाबा देतना बने लेन बबुआ राम। हे बक्सर के बाबा देतना बने लेन बबुआ राम, हे बक्सर के बाबा देतना बने लेन बबुआ राम, हे बक्सर के बाबा। मैं नहीं दूंगा, आइए यहीं राजस्थान में रेवासा आप जानी रहे शिखर में, एक बार मैंने वहां अनुष्ठान किया था नवरात्र का। मैंने काशी में उसी समय वहीं रेवासा में मैंने ये गीत बनाया था, अब जो सुना रहा हूं। चक्रवर्ती जी ने कह दिया कि नहीं दास्यामि राघवम, मैं राघव जी को नहीं दूंगा। माताओं बहुत ध्यान से सुनना, राघव को मैं न दूंगा, राघव
बताऊं। जल के सस्ते में नहीं पाए मैंने, झरते झरते
के लड़के हैं राम लक्ष्मण कैसे कथम किसी भी प्रकार कथम प्यमर प्रख्यम रामो सत्य पराक्रमो अनभ्यस्तायुधम बालम नैव दास्यामि राघव। किसी प्रकार नहीं दूंगा मैं। वाल्मीकि जी कहते हैं विश्वामित्र को क्रोध आ गया और जब क्रोध आया तब पृथ्वी कांपने लगी। तब वशिष्ठ जी ने समझाया कि महाराज ऐसा मत कीजिए, आपने प्रतिज्ञा की है महाराज, प्रतिज्ञा तोड़ेंगे तो आपके पुण्य की हानि हो जाएगी, तब राम जी की भी हानि होगी, आप दीजिए राम जी को, चिंता मत करिए, मैं वचन देता हूं राम जी विश्वामित्र के साथ जाएंगे, एक बाल भी इनका बांका नहीं होगा, मैं वचन देता हूं आपको। कहा अच्छा ठीक है, पहले विश्वामित्र से कह दीजिए कि मैं अकेले राम जी को तो नहीं दूंगा। ठीक है, राम जी के साथ कौन जाएगा सहायता में? चक्रवर्ती जी का मुझे लक्ष्मण पर विश्वास है, राम जी के साथ लक्ष्मण जाएंगे। आज भाव स लक्ष्मणम, लक्ष्मण जी के सहित राम जी को बुलाया। कृतस्वस्तेनम मात्रा, आहा क्या बात है, मां ने स्वस्तेन करके कहा बेटा जाइए सब ठीक हो जाएगा, गुरुदेव जो कहे करिएगा। वशिष्ठ जी ने ब्राह्मणों ने सबने स्वस्तेन किया। यहां वाल्मीकि बहुत अच्छा कह रहे, कहते पुष्प वृष्टि महत्यासी देव दुंदुभ निस्सुनई है। जब राम जी के साथ विश्वामित्र जाने लगे पहली बार फूलों की बहुत बड़ी वर्षा हुई, देवताओं ने फूलों की वर्षा हुई, जय जयकार किया देवताओं ने, माताओं जय 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 जयकार किया, सभी लोग गाने लगे। एक ही धुन गा रहे हैं, ओ ने 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 ने।
श्री राम तुम्हारा मंगल हो, सब लोग गाइए श्री राम तुम्हारा मंगल हो, श्री राम तुम्हारा मंगल हो, छठ धाम तुम्हारा मंगल हो, छठ धाम धाम तुम्हारा मंगल हो, सुख धाम तुम्हारा मंगल हो, श्री राम तुम्हारा मंगल हो, श्री राम तुम्हारा जने बैठे हो,
कथा के बाद जब पूरी खाने लगोगे तो अठर अठर ढमक दोगे, तो भगवान का जय क्यों नहीं बोलते? बोले श्री राम चंद्र भगवान की जय हो, और ऊंचे स्वर बोला करो। अद्भुत आनंद आ रहा है, अद्भुत आनंद। और लिखते भी बहुत अच्छा है वाल्मीकि, बहुत अच्छा लिखते हैं। प्रथम काव्य पर इतना अच्छा किसी लिखा ही नहीं संस्कृत में। विश्वामित्रो यजावग्रे तम च रामो महायशा काक पक्ष धरो धन्वी तम च सौमित्रिरन्वगात। आगे आगे विश्वामित्र जी चल रहे हैं, उनके पीछे घुघराले बाल वाले रामचंद्र जी धर्म स्मार लेकर, और उनके पीछे लक्ष्मण जी अध्यर्धयोजनम गत्वा। रथ भी नहीं दिया विश्वामित्र जी ने, नहीं लिया दशरथ, नहीं पैदल जाना हमको। अध्यर्ध योजनम गत्वा, आधे योजन जाने के पश्चात सरजू आई। विश्वामित्र कह राघव वत्स राम, बेटे रामचंद्र आचमन कीजिए, आज आपको मैं दो विद्याएं दे रहा हूं, बला अति बला। राघव जी आप तो विद्याओं के निधान हैं, पर मेरे मन में अहंकार है, विद्याओं का सिद्ध दे रहा हूं। इनकी विशेषता है, इनको प्राप्त करने के पश्चात व्यक्ति को भूख प्यास नहीं लगती। और मान लो आप सो भी जाएं, अकेले सो रहे हो तो भी राक्षस आपका कुछ भी नहीं बिगाड़ पाएंगे। विद्या दे दी भगवान राम लक्ष्मण दोनों को, दी विद्या दी। यहीं पर महर्षि वाल्मीकि राम जी को भगवान कह रहे हैं। विद्या समुदितो रामो विद्या समुदितो राम सुशुभे भीम विक्रम सहस्र रश्मिर भगवान शरदीव दिवाकर है। विद्या समुदित है, यहां बहुत अच्छा। ये विद्याएं विश्वामित्र के पास थी, कुछ नहीं कर पा रही थी। विश्वामित्र क्या करेंगे, इतने हथियार थे, सब कुछ था, पर जब ताड़का गरजती थी तो इनको सुसु हो जाती थी। कौशिक गरत तुषार जो लखते आपको भगवान करे बिने पत्र को स्वामी, बर्फ की भांति पिघल जाते थे, इतने डरते थे। और यही विद्या राम जी के पास जब आई तो विद्ये समुदित यशवन उदित हो गई विद्याएं। राम जी इतने सुंदर लग रहे हैं, भगवान राम जैसे शरद काल में सूर्य नारायण चमत्मा जाते हैं। आगे बढ़े, आगे देखा काम्यक वन, ताटका का वन। भगवान राम ने कहा क्या रे, कहा महाराज सुंदु पुसुंद नाम सुना होगा राक्षसों का, हाँ सुना तो है। सुंद की पत्नी थी ताटका, बड़ी सुंदर थी। सुकेतु ने बड़ी तपस्या से इसे पाया था, इसके यहां दो बेटों का जन्म हुआ, मारीच और सुबाहु का जन्म हुआ। ये अगस्त जी को सता रही,
अगस्त जी ने क्रोध में आकर सुंदर को तो जला दिया, फिर ये उन पर झपटी। अगस्त जी ने कहा जाओ अब तुम राक्षसी बन जाओ। तुरंत ही राक्षसी बन गई। अगस्त जी का कुछ नहीं बिगाड़ पाई महाराज, पर ये बहु आतंकवादिनी महिला है। आए दिन हजारों ब्राह्मणों गौओं को खा जाती है भगवान। इसे हे प्रभु मेरी आज्ञा है और इच्छा भी, आतंकवादी का न कोई धर्म होता है, न कोई लिंग होता है, न कोई जाति होती है प्रभु, इसलिए इसको मार डाला जाए। सरकार विश्वामित्र जी कह रहे हैं इसको मार डाला जाए। ठीक है, कर श्याम न संदेह ताटका बधम उत्तमम, मैं इसका वध करूंगा। ताड़का दौड़ी, शब्द वेधी बाण का भगवान राम ने प्रयोग के पहले उसे धूली धूल भर दिया, चारों ओर अंधकार कर दिए, किसे कुछ देख ही नहीं रहा था। तो दशरथ जी से जो शब्द वेधी बाण सीखा था रामचंद्र जी ने, शब्द वेधी बाण का प्रयोग किया और बाणों की ताटी उसे घेर लिया। ताड़का को घेर लिया, घनघोर युद्ध हुआ, बड़े बड़े पत्थर फेंके ताड़का ने, सब रामचंद्र जी ने काट दिया, वृक्षों को काट दिया। लक्ष्मण जी से कहा भैया तुम केवल बाहर की रक्षा करो, इसको मैं ही प्रसाद देता हूं। फिर वो माया बल का प्रयोग करने लगी, सारी मायाएं काट दी भगवान ने। तामापतंतिम वेगे ने विक्रांताम, सुनी मिलो बद्र की भांति राम जी पर टूट पड़ी। लक्ष्मण को भाई आर्य का चिंता मत करो, शरेणोरस विव्याध, एक ही बाण भगवान राम ने मारा, उसकी बक्ष पर छाती पर लगा वह बाण सापपात, ताटका गिर पड़ी, ममार मरी च, उसका साकेत धाम हो गया। जय जयकार हो। देवता बहुत प्रसन्न, जय जयकार हो रहे राम जी। एक ही बाण प्राण हरि लीना, एक ही बाण प्राण हरि लीना, दीन जाने के निज पद प्राण हर लिए, उसे अपना पद दिया। बहुत आनंद आ गया, जय जयकार हो गया, देवता प्रसन्न हो, चारों ओर से देवताओं ने फूलों पर कहा धन्य। तब इंद्र ने कहा विश्वामित्र जी ये जो आपके पास दिव्य अस्त्र हैं इन्हें राम जी को दे दीजिए, आपसे कुछ नहीं होगा। तब विश्वामित्र जी ने सभी दिव्यास्त्र जो उनको मिले थे सब राम जी को दे दिया, सभी दिव्यास्त्र, ब्राह्मास्त्र, वैष्णवास्त्र, नारायणास्त्र, पाशुपतास्त्र,
आग्नेयास्त्र वायव्यास्त्र याम्यास्त्र वारुणास्त्र गारुडास्त्र सर्पास्त्र वज्रास्त्र सभी अस्त्र दे दिए और सबका उपसंहार भी भगवान राम को सुनाया। सभी अस्त्र आ गए। भगवान का मानसा में भविष्य मानसा ने भविष्य भविष्य ध्वम अभी सब लोग जाओ जिसका जिसका मैं मन से स्मरण करूं मेरे पास आ जाए करो यहां बोझा वर्ग मत रहो। इन सभी शस्त्रों का प्रयोग रावण वध में भगवान राम करेंगे आपको सुना आनंद आएगा सुनने को। आ रहे हैं सिद्धाश्रम। भगवान से कहा राघव यह वही सिद्धाश्रम है जहां भगवान विष्णु ने बहुत हजार वर्षों तक तप किया था और जब बलि को बलि ने इंद्र को जीता था यहीं पर कश्यप अदिति ने बलि से प्रार्थना भगवान से प्रार्थना की थी तब भगवान वामन बने थे यहीं। भगवान मेरा सौभाग्य है उस बार मैंने वामन के दर्शन किए थे सिद्धाश्रम में आज उनके अंशी सम्राट राघवेंद्र जी का दर्शन आज हम लोग कर रहे हैं। मेरा हमारा सौभाग्य भगवान सिद्धाश्रम में राम जी आए सबने उनका स्वागत किया जय जयकार आहा सबने राम जी का स्वागत किया। प्रातः काल हुआ भगवान ने कहा आप बताइए यस्मिन काले निशाचर जिस समय राक्षस आते हो बताइए प्रभु। विश्वामित्र का नहीं आज आपके भरोसे अब मैं दीक्षा ले रहा हूं यज्ञ की मेरा 7 दिन तक यज्ञ चलेगा और अब आप हमारी रक्षा कीजिएगा ब्रह्मेश्वरी कर रहा हूं मैं। तव तु तद वचनम श्रुत्वा राजपुत्र यशस्विनौ अनिद्रम षडहोरात्रम तपोवनमरक्षता अनिद्रम षडहोरात्रम 6 दिन 6 रात भगवान सोए नहीं। आहा राम लक्ष्मण जी 6 दिन 6 रात सोए नहीं यज्ञ भूमि का चक्कर लगाते रहे एक भी क्षण बंद नहीं किया चक्कर लगाते रहे। आत्मसज्ज धनुषा वशिष्ठ विश्वामित्र ने कह दिया था आत्मसज्ज धनुषा वशिष्ठ प्रसाद वक्षया सुख निसंग संगिनौ 6 दिन 6 रात यज्ञ की रक्षा करते विश्वामित्र जी भी भगवान का भजन कर रहे हैं। अब 7वां दिन आया यज्ञ पूर्ण होने को है। बहुत अद्भुत यज्ञ हो रहा है। चतुर्भिश्च चतुर्भिश्च द्वाभ्याम पंचभिरेव च हूयते च पुनर्द्वाभ्याम तस्मै होमात्मने नमः। ये वैदिक यज्ञ है।
पहले चार अक्षर आश्रावय, ये चार अक्षर, पुनः चार अक्षर अस्तु श्रौषट, ये भी चार अक्षर। चतुर्भिश्च चतुर्भिश्च द्वाभ्याम यज, पंचभिरेव च पांच, ये यजामहे। पुनर्द्वाभ्याम वौ षट, चार चार दो पांच और दो, सत्रह अक्षर उसी यज्ञ किया। एक बार फिर सुनिए, चार पहले चार आश्रावय, फिर चार अस्तु श्रौषट, फिर दो यज, फिर पांच ये यजामहे, फिर दो वौषट। जय जय होम करन लागे मुनि झारी, चक्रतुर्वीरौ विश्वामित्र महा विश्वामित्र मरिंदमौ। कहते हैं विश्वामित्र जी की उपासना कर रहे हैं, आहा ऐसे प्रसंग अब सुनने को जल्दी नहीं मिलते हैं, वक्ताओं के पास तो कोई आशा नहीं हम कर सकते, बहुत निराशा हो गई है वक्ताओं से। अब तो सातवां दिन राम जी लक्ष्मण से कहा, लक्ष्मण जी बिल्कुल तैयार रहिए, अब आज राक्षस विघ्न करेंगे ही करेंगे, आज राक्षस विघ्न करेंगे। दोपहर तक कुछ नहीं बोले। अब दोपहर को मारीच और सुबाहु आए भगवान के पास, दौड़ गए, आए भगवान राम ने देखा, कहा लक्ष्मण रावण का मामा तो हमारा भी मामा आया, राम मारी राम का मामा, राम राम मारित ने कहा भांजे राजा माम राम राम। भगवान राम का से एक बार बताओ तुम ब्राह्मणों को इतना सताते क्यों हो यार, सही बताओ। आत्मम भरिस्तम पिशितैर नराणाम वनस्पतिन हंस फले ग्रहीणाम सौवस्त कर्तुम विभवा नयेषाम ब्रजन्ति तेषाम दैशेन कस्मात्। भगवान ने कहा तुम ब्राह्मणों का मांस खाते हो, फल खाने वालों को मार डालते हो, तुमको दया क्यों नहीं आती। मारीच ने कहा भांजे राजा ये हमारा धर्म है। अच्छा क्या धर्म है तुम्हारा। मारीच ने कहा हम ब्राह्मणों को खा जाते हैं, देव पूजकों को मार डालते हैं, अदमो दुजान देव निहनम,
कुर्मपुरम प्रेत नराधिवासम, हम नगर को श्मशान बना देते हैं। धर्मो हेयम दासर्थे निजोनो कारिष्म ही वेद वृत्ते, हम वेद के धर्म में अधिकृत नहीं तो क्या करें अब। अच्छा भगवान का मामा, यदि तुम्हारा धर्म है ब्राह्मणों को खा जाना, जग देव पूजकों को मार डालना, तो मेरा भी धर्म है ब्राह्मणों को खाने वालों को मार डालना, ये मेरा धर्म है। जय हो। अब मामा सावधान हो जाओ, सावधान हो जाओ मामू, अब मामी को स्मरण मत करना। भगवान ने मानवास्त्र का प्रयोग किया, मानवास्त्र का प्रयोग करके मारी चोर से चिक्षेप फेंक दिया और मारी बक्सर से फेंका, बक्सर से फेंका मारीच को, और अफ्रीका के टापू में जाकर मारीच 8,000 किलोमीटर दूर गिरा। पहले उसका नाम था मारीच शीर्ष, अब उसका नाम पड़ गया है मॉरिशस। मैं गया हूं वहां जहां उसका सिर फेंका था भगवान ने, वहां मैं गया हूं। हमने जब देखा था बहुत पहले 1992 में, जब भारत सरकार ने मुझे भेजा था इंडोनेशिया, भारतीय शिष्टमंडल का इंडियन डेलीगेशन का प्रेसिडेंट बनाकर, आज भी वहां गड्ढा पड़ा है जहां फेंका था भगवान राम। करोड़ों वर्षों के भी गड्ढा भरा नहीं है, सोचो। तो भगवान ने आग्नेय बाण का प्रयोग किया, आग्नेयास्त्र का प्रयोग किया, खींचकर मार दिया तो सुबाहु एक क्षण में भस्म हो गया। अरे मरे 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 भस्म हो गया, पूरी राख हो गई। अब भगवान से क्या कहूं, अब शेष को लक्ष्मण जी ने मार डाला, अब क्या किया जाए, झाड़ू कौन लगाए। तब भगवान राम ने पहले पारजन्यास्त्र का प्रयोग किया और खूब चका झमाझम पानी बरसा, पानी बरसा बहा दिया, सब चकाचक हो गया। फिर वायव्यास्त्र का प्रयोग, सब सुखा दिया। बोले भक्तवत्सल भगवान की जय हो। ये पहली बार आप पूर्वी क्षेत्र से भगवान ने आतंकवाद का सफाया कर दिया। सब लोग जय जयकार करने लगे। सब लोग जय जयकार, सब कहने लगे श्री राम जी राम। अक्षरों का मंत्र है ये, और तीन लोगों को राम जी ने जीता है। श्री राम जय, राम जय, जय राम।
किसको किसको जीता बताइए? ताटका को जीता है, मारिच को जीता है और किसको? सुभाव को। और 13 अक्षर का मंत्र इसलिए किया कि रामचंद्र जी तब तक रुके जब तक इनकी 13 ही नहीं हो गई राक्षसों की। तहपुन कछुक दिवस रघुराया, रहे कीन विप्रण पर दाया। अब जनक जी को समाचार मिला कि तो जनक जी जान गए कि मेरा संदेश जाने पर भी दशरथ जी स्वयंवर में नहीं आ रहे हैं, क्योंकि उनकी अब उनको अब किसी की अपेक्षा नहीं है। और दशरथ जी ने इन दोनों को आज्ञा नहीं दी बालकों के तो विश्वामित्र की सहायता में आए हैं, इसे विश्वामित्र को ही कहा जाए। जनक जी ने एक चिट्ठी भेजी कि भगवान हमारे चक्रवर्ती नरेंद्र के बेटों ने आपके यज्ञ की रक्षा कर ली, मेरे यहां भी धनुर्यज्ञ चल रहा है और मुझे डर है कि रावण यहां विघ्न डालेगा, अतः इस यज्ञ की रक्षा के लिए भी आप दोनों बालकों को ले आइए भगवान। मैथिलस्य नरश्रेष्ठ जनकस्य महात्मनः यज्ञ परम धर्मिष्ठस्तत्र यास्यामहे वयम्। ठीक है, अब मिथिला वाले पढ़ते लिखते तो रहे नहीं थे, एक बहाने के बिना बिना बुलाए चले आए। हमारे संतदास जी मिथिला के हैं, अब तो हम लोगों ने जरा घूस उस दे दिया तब तो अवध के हो गए हैं, नहीं नहीं तब मिथिला के। हाँ, ये सब लोग कहते कि राम जी बिना बुलाए आए, परंतु हाँ वाल्मीकि रामायण का प्रकरण देखिए, मैथिलस्य नरश्रेष्ठ जनकस्य महात्मनः यज्ञ परम धर्मिष्ठस्तत्र यास्यामहे वयम्। तब विश्वामित्र जी को समझने में देर नहीं लगी। विश्वामित्र का राजन राघव, मेरा मन है कि जनक जी का वो धनुष यज्ञ देखा जाए, क्योंकि मैंने आपको यज्ञ की रक्षा के लिए बुलाया था, ये थोड़ी कहा था कि एक ही यज्ञ की रक्षा करिए, जहां जहां यज्ञ पर संकट पड़े वहां वहां आपको चलना पड़ेगा। ठीक है, जय हो। धनुष यज्ञ सुनि रघुकुल नाथ हरसि चले मुनिवर के साथ। धनुष यज्ञ सुनि रघुकुल नाथ सिद्धाश्रम आलू से विदा लिया विश्वामित्र जी ने, और सब लोग 60,000 सिद्ध ऋषियों को साथ लेकर चले। अब राम जी पर बहुत इनका राम जी पर उनको बहुत प्रभाव हो गया है, अब राम जी जैसा कहेंगे वैसे विश्वामित्र को करना है। राम जी जानबूझकर उस मार्ग से लेके जा रहे हैं जहां अहल्या जी पड़ी हुई है।
वहां से वैशाली आई, वैशाली से मिथिला के उपवन में आ गए। वहां देखा एक बहुत सुंदर आश्रम, देखा बहुत सुंदर आश्रम देखा। आश्रम बिल्कुल निर्जन पड़ा था, एक शिला पड़ी थी, गौतम जी भी थे पर दिखाई नहीं पड़ रहे थे। भगवान ने देखा और देखकर कहा कि ये क्या है। तब विश्वामित्र ने कहा कि भगवान क्या बताऊं आपको, कहने में संकोच लग रहा है। भगवान का संकोच मत कीजिए, सही से बता दीजिए। आप बुरा नहीं मानेंगे? नहीं, मैं क्यों बुरा मानूं? क्योंकि आपके पिता के मित्र का एक गंदा इतिहास है, इंद्र का। ओ ठीक, क्या बोले महाराज? अहल्या जी बड़ी सुंदर महिला थी, ब्रह्मा जी इनको गौतम को सौंप के चले गए थे। भगवान के दर्शन करने के लिए आए तो गौतम जी से बहुत प्रभावित हुए कि इतनी सुंदर कन्या, फिर भी गौतम के मन में कोई दोष नहीं आया। इसलिए गौतम के साथ भगवान, गौतम के साथ अहल्या जी का विवाह कर दिया। अहल्या जी की ही बेटी अंजना जी, जो हनुमान जी की मां है, अहल्या जी का बेटा, अहल्या जी के बेटे हुए सतानंद जी, जो जनक जी के पुरोहित। इतने पर भी अहल्या जी का मन वासना से भरा नहीं। उनको भोग की लिप्सा बनी रही। इधर इंद्र को चंद्रमा ने बता दिया कि महिला बड़ी सुंदर है, और चंद्रमा आधी रात में मुर्गा बन के बोल दिया। गौतम जी को लगा कि सवेरा हो गया, गौतम जी चले गए स्नान करने। तब तक इंद्र गौतम के वेश में आ गए, परंतु अहल्या ने पहचान लिया। मुनि वेशम सहस्राक्षम विज्ञाय रघुनंदन। अहल्या ने कहा मैं जान गई आप गौतम नहीं हैं, परंतु मेरे लिए आप इतने दूर से आए तो मैं आपका प्रेम स्वीकारूंगी। लो बहुत घिनौना काम कर दिया, क्या नाम इसका, अहल्या ने।
इधर इंद्र, उधर गंगा जी में स्नान करने गए गौतम, तो गंगा जी कह रही क्या कर रहे हो, अभी तो आधी रात है, अभी मेरे यहां स्नान करने मत आओ, तुमसे छल किया है इंद्र ने, तुम्हारी पत्नी का चरित्र भंग किया इंद्र ने, अभी अभी लौटो। गौतम जी लौटे तो देखा कि इंद्र फिर क्रोध में आकर चंद्रमा को तो मृगचर्म से खींच के मार दिया, तो मृगांक आज भी चंद्रमा में काला धब्बा दिखता है, उसको मृगांक कहते हैं। इंद्र से कहा योनि लंपट दुष्टात्मा सहस्र भगवान हो जाओ, तुम विफल हो जाओ, वाल्मीकि में यही लिखा विफल हो जाओ। इंद्र का वृषण उसी समय गिर गया, इंद्र की दोनों कौड़ियां गिर गई नीचे, अंत में भेड़े की कौड़ी से अश्विनी कुमार ने इंद्र को व्यवस्थित किया। और अब आके देखा अहल्या को, कहा अहल्या मुझे खेद दुख इस बात का है, तुमने मेरे से विश्वासघात किया है। अरे तुम्हारे कोख में अंजना जी जैसी बेटी उत्पन्न हुई मूर्ख, जो हनुमान जी की मां बनेगी, जनक जी के पुरोहित सतानंद जी, इतनी अच्छी संतान की मां होकर भी तुम्हारे मन में वासना बनी हुई है, तो जाओ अभी मैं तुम्हारे इस शरीर को जला रहा हूं और तुम्हारी आत्मा पत्थर की शिला में चली जाएगी और 10,000 वर्ष पर्यंत तुम उसी में रहोगी। तुमको गर्मी लगेगी पर गर्मी को शांत करने के लिए कम्बल का एक टुकड़ा भी तुमको नहीं मिले, छाया नहीं मिलेगी। बरसात लगेगी पर उसका उपाय तुम्हारे पास नहीं रहेगा। ठंड लगेगी पर एक टुकड़ा कपड़े का तुम्हें नहीं मिलेगा। प्यास लगेगी पर तुम्हारे मुख में एक घूंट पानी नहीं जाएगा। भूख लगेगी तुमको पर एक अन्न का एक टुकड़ा भी तुम नहीं मुंह में ले पाओगी। ईश्वर इतना कठोर साथ दे दिया। बहुत कठोर श्राप दिया। तब श्राप देकर वहीं उसने कहा कि दंड तो आपने बहुत दिया, उद्धार कहा बस 10,000 वर्ष के पश्चात जब भगवान राम आएंगे तो उनके चरण का स्पर्श करके तुम ये पत्थर चला जाएगा और उनके दर्शन करके तुम्हारा पाप भी नष्ट हो जाएगा। तब से अहल्या भगवान की प्रतीक्षा कर रही है। तलफला रहे तलफते मेरो प्राण राम कब दर्शन दई हो, तलफते मेरे प्राण राम कब दर्शन जय हो। क्या नाम इसका विशेष
पिछले दिन मस्ती में गावा करा यार। ऐसा लाइन मानो बीमार बाटा ऐसे भाई। अरे बताओ 69 वर्ष में मेरे मन इतना सा है काम क्या। तलफत मेरो प्राण राम कब दर्शन दे हो। तलफत मेरो प्राण राम कब ना 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 फिर से तलफत बताती थी अहल्या इसी प्रकार भगवान को मना रही थी। बहुत अच्छा गीत है।
उस स्वर तो बहुत ही अच्छा है। तलफ पे मेरो प्राण राम कर दर्शन दे हो, तलफ पे मेरो प्राण राम कर दर्शन दे हो। कितना सुंदर गीत है बताओ। अहल्या जी 10,000 वर्ष पर्यंत इसी प्रकार गुनगुनाती रही। आज आप आए हैं भगवान, आप ईश्वर हैं। लोग कहते हैं ना कि वाल्मीकि जी ने राम जी को ईश्वर नहीं माना। अरे ईश्वर नहीं मानते श्लोक कैसे घटेगा? देखो वाल्मीकि रामायण के बालकांड के 49वें सर्ग का 12वां श्लोक है ये। तदा गच्छ महातेज आश्रमं पुण्यकर्मणः तारयैनां महाभागा महल्यां देवरूपिणी। कहते विश्वम के हे महातेजस्वी, अब पुण्यकर्मणः आश्रम आगच्छ। पुण्यकर्मा गौतम जी के आश्रम में आइए मेरे साथ। तार यही नाम महाभाग हे देव रूपिणी, निंदित रूप वाली महाभागाम इनाम, इन महाभाग्यशाली महाम सीताम भजते इति महाभागा। सीता जी का ये भजन कर रही है, उनको तारे। अब जो वाल्मीकि जो कहते हैं कि राम जी को भगवान नहीं मानो, उनको एक थप्पड़ खींच के लगाओ। हम तो नहीं लगे, तुम लगाओ एक थप्पड़। उनसे पूछो यदि राम जी को वाल्मीकि भगवान नहीं मानते तो तारे कैसे कह दिया? क्या अहल्या जी को जीव तार सकता है? तारने का काम तो भगवान का है ना। जीव मार सकता है, किसी को भी गोली मार दो जीव मार सकता है, पर तार नहीं सकता। तारना तो केवल भगवान ही जानते हैं ना। तार इनाम, इनको आप तार दीजिए तब भगवान आए, विश्वामित्र के सहित आए। आश्रम में प्रवेश किया, तो भगवान के दाहिने चरण का अंगूठा जो शिला के मस्तक पर पड़ा, तुरंत शिला उड़ गई। अहल्या खड़ी हो गई, बोली जय हो। बोलिए भक्त सर भगवान। अहल्या जी धन्य धन्य। जय जय परसत पद पावन शोक पर सत पद पाव शोक न साम प्रगट भई तप पुंज सही देखते गुनाय जन सुखदायक
सददर्श महाभागाम तपसा द्योति तप प्रभाम। देखा भगवान ने, ऐसा लग रहा था मानो मध्यम भसो दुराधर्शाम धूमैर परितांगिन दीप्ता अग्नि शिखा में, जिसे धुएं से ढकी हुई अग्नि की शिखा हो। सत सारा व्रताम साभ्राम पूर्णाम चंद्र प्रभावी वो मानो बादलों से बर्फ से ढकी हुई चंद्रमा की प्रभा। मध्यम भसो दुराधर शाम दीप्ताम सूर्य प्रभा में, जैसे जल के बीच में डूब रही सूर्य नारायण की प्रभा। अहल्या जी ने प्रसन्न होकर भगवान को भगवान की पूजा की, पाद्य अर्घ्य आचमन सब किया, और फिर भगवान की कृपा से भगवान को प्रणाम करके अहल्या जी गौतम के साथ चली गई। बोले भक्त वत्सल भगवान की जय हो। देवता बहुत प्रसन्न, चारों ओर से पुष्पों की वर्षा करने लगे। आहा हा, धन्य भगवान, आनंद कर दिया आपने प्रभु आज, जय जयकार। अब भगवान मिथिला के मंडप में आ रहे हैं। जय हो जय हो जय हो। बहुत आनंद कर रहे हैं भगवान। मिथिला में भगवान आ गए, जनक जी ने बहुत स्वागत किया, और जब राम जी पर दृष्टि पड़ी वाल्मीकि रामायण में, तो भूषण टीकाकार कह रहे कि उनको डर लगा कहीं नजर न लग जाए। इमौ कुमारौ भद्रम ते देव तुल्य पराक्रमौ गज तुल्य गति वीरौ शार्दूल वृषभोपम पद्म पत्र विशालाक्ष खड्ग तूणी धनुर्धरऊ अश्विनाविव रूपेण समुपस्थित यौवन। महाराज इमौ कुमारौ इतनी सुंदर बालक भद्रम ते नजर न लग जाए कहीं। देवता के समान इनका पराक्रम, हाथी के समान चल रहे हैं, सिंह व्याघ्र और सिंह के समान इनके दर्शन हो रहे हैं, रूप में अश्विनी के समान मानो इन्हीं से अश्विनी कुमार को रूप मिला है। भगवान बहुत सुंदर बालक है। बहुत सुंदर बालक है। संपस्थित यौवनौ युवावस्था इनकी पूजा कर रही है। इतने सुंदर बालक कथम पदभ्याम यह प्राप्तौ, यहां पैदल कैसे आ गए। किमर्थम कश्यवा मुनि, किस कारण ये दोनों यहां आए हैं, किसके बेटे हैं ये। क्योंकि इन्हीं बिलकत अति अनुराग Oh, 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 oh
तब विश्वामित्र जी ने बताया कि वही बालक हैं दोनों जिन्होंने मेरे यज्ञ की रक्षा की थी, और तुम्हारी पत्रिका के अनुसार इनको हम ले आए हैं। हमारा जी, तुम्हारी इच्छा के अनुसार हम लाए इनको। महाराज, जब दक्ष के यज्ञ में शंकर जी कुप्त होकर के सभी देवताओं को मार मार करके सबका अंग भंग कर रहे थे, तब विष्णु जी ने मना किया था, शंकर जी नहीं मान रहे थे। तब विष्णु जी ने शंकर जी के धनुष को जड़ कर दिया, और शंकर जी ने विष्णु के धनुष को जड़ कर दिया। तो विष्णु जी ने तो अपना धनुष परशुराम को दे दिया, और शंकर जी ने अपना धनुष मिथिला में छोड़ दिया। भगवान, एक दिन मेरी सीता जी खेल खेल में आई और सबके देखते देखते धनुष को उठा लिया उन्होंने, जहां पड़ा था उसको साफ किया, बाएं हाथ से धनुष उठाया, दाहिने हाथ से झाड़ू देकर साफ कर दिया। और महाराज, इसको घोड़ा बनाकर मेरी सीता जी खेलती रही। नियम बना लिया है उन्होंने, प्रतिदिन आती हैं सखियों के सहित, इसको उठाती हैं, घसीटती हैं, घोड़ा बनाकर इस पर कोड़े बरसाती हैं, चढ़ती हैं, उतरती हैं 50 बार। तब मैंने प्रतिज्ञा कर ली कि जो इस धनुष को तोड़ेगा उसी के साथ सीता जी का विवाह होगा। स्वयंवर के मैंने आयोजन किया महाराज। 1 वर्ष हो गए महाराज, कोई इसे टस से मस नहीं कर पाया महाराज। रावण और बाणासुर भी आए, भी थकित होकर चले गए, उनसे नहीं उठा महाराज। आज अंतिम समय में भी रावण यहां होगा। भगवान, ये अंतिम प्रकरण है आज। अब सरसित मेरा मन निराश हो गया है, अब राम लक्ष्मण जी की बात है। यदि रामचंद्र जी यह धनुष तोड़ देंगे, मैं आपको वचन देता हूं, मेरी सीता जी अयोनिजा हैं, किसी के गर्भ से नहीं जन्मी हैं। मैं राम जी को सीता जी को समर्पित कर दूंगा, ये आपको मैं वचन देता हूं। ठीक है, चलो। धनुष को मंजूषा में बंद करके रखा था, उसको मंगवाया गया, मंजूषा खींच कर लोग ले आए। पश्चतामग्री सहस्राणाम, 10,000 राजा बैठे हैं, धनुष किसी से नहीं टूटा, अंतिम बार है आज। अंत में जनक जी ने कहा, बस बत्सराम धनु, अरे विश्वामित्र ने, बत्सराम धनु पश्य, हे राम जी धनुष को देखिए। राम जी आए, मंजूषा खोला, इदम धनुर्बरम दिव्यम संस्पृशामी है पाणिना। राम जी ने कहा कि ये धनुष अब मैं अपने अपने हाथ से छू रहा हूं। ठीक, यत्नवांश्च भविष्यामि,
तोलने पूरने पिवा। मैं प्रयास करूंगा इसको उठाने का, इसको चढ़ाने का, अच्छा इसको तोड़ने का। इतना से सुना बाढ़ ब्रवीत राजा विश्वामित्रो व्यभाषत। विश्वामित्र का ठीक है बेटा, जनकन का ठीक है राजकुमार। सजग ग्राह धनुर्धन धनुर्मध्य लीलेव महायसा। खेल खेल में भगवान राम ने धनुष को पकड़ लिया उठाया। आरोपित्वा धर्मात्मा धनुष सज्जम चकार उठाया और चढ़ाया। पश्यताम नृसहस्राणाम बहुनाम रघुनंदन। लाखों लोगों की उपस्थित में सब भंज धनुर मध्य बीच में से तोड़ दिया धनुष। जय हो। सब भंज धनुर मध्य नरश्रेष्ठो महायशा तोड़कर फेंक दिया। और इतना कठोर शब्द हुआ, भर भुवन घोर कठोर रव रवि बाजित मारग चले शिखर दिग्गज घोर मज गए घोर कुंभ कर सुर असुर मुनि कर कान दीढ़े सकल विकल विचार को दंड खंड राम तुलसी जयति वचन उचार जयति वचन उचार जयति वचन उचार। वाल्मीकि बहुत अच्छा लिखते हैं, कहते निपेतुश्च जना सर्वे तेन नादेन मोहिता वर्जयित्वा मुनिवरम राजानम तौ च राघव। इतना घनघोर शब्द हुआ कि वहां जितने लोग बैठे थे सब तड़ 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 सब नीचे गिर पड़े। दिग्गैंद लरखरत परत दसकंठ मुख भर। रावण तो मुख से गिरा, उसके 3200 दांत वहीं टूट गए, फट फट टूट गए। तो बचा कौन? बोले वर्जयित्वा मुनिवरम विश्वामित्र नहीं गिरे, राजानम जनक जी नहीं गिरे, तव राघव राम लक्ष्मण नहीं गिरे, चय और जानकी जी नहीं गिरे। हाँ सब एक मुहूर्त तक सब हमारी भाषा पटरा जैसे गिरे रहे। जय हो। एक मुहूर्त के बाद सबको संज्ञा आई। राम जी खड़े हैं, देखा सब, अरे क्या हो गया? राम जी ने धनुष को तोड़ दिया है, तोड़ दिया। राम जी ने धनुष को तोड़ दिया है। अब सतानंद तब आए राम Yeah.
सीता जी ने हाथ में जयमाला ले लिया है। सखियां कह रही हैं कि थोड़ा राघव जी झुक जाइए, झुक जाइए ललन एक बार। भगवान के विवाह का ये पूरा कार्यक्रम अब चल रहा है। विजया देवी जी आप देख रहे हैं सत्या के जानकी राम विवाह के वेश लेकर आ रही हैं। आपसे देवकी नंदन जी पुजारी, पवन जी पुजारी, हंसराज जी, महावीर जी सभी
अब ध्यान से सुनिए। जनक जी ने कहा कि अभी विवाह हो जाए, तब राम जी ने वाल्मीकि मना किया। राम जी का नहीं, जब तक मेरे पिताजी नहीं आ जाएंगे और जब तक मेरे पिताजी नहीं कहेंगे तब तक मैं विवाह नहीं करूंगा। ये देखिए मर्यादा। वो आजकल के लड़के ससुरे कुकर्म करके कहते अब आशीर्वाद दीजिए, और क्या आशीर्वाद दें। आज के लड़के लड़कियां कितने दुष्ट हो गए हैं, इतने दुष्ट क्या कहे आपको। इतना बड़ा पाप किया हो तो आशीर्वाद देंगे। अभी हम बंगलौर गए थे एक स्वास्थ्य के लिए, थोड़ा एक कन्या मेरी बड़ी परिचित थी, उसने आवाज के लड़के लड़के कितने दुष्ट हो गए हैं, उसने वहां विवाह कर लिया। तो मुझे कन्या गुरु जी आशीर्वाद दीजिए। मैं क्यों आशीर्वाद दूं, जब तुम मेरे कहने से की होती तब ना। विद्या देवी जी मालू आप देख रहे हैं भगवान का पूजन कर रही है राम जानकी का। राम जानकी विवाह प्रसंग वाल्मीकि रामकथा में श्री पीठशाला श्रद्धा में आप देख रहे हैं, और अब विद्या देवी जी मालू भगवान राम जानकी जी का पूजन कर रही है। दूतों ने चक्रवर्ती जी को बताया, चक्रवर्ती जी को बताया कि भगवान श्री रामचंद्र जी ने शंकर जी का धनुष तोड़ दिया है, सीता जी ने उन्हें गले में जयमाला डाल दी है, पर वो आपकी आज्ञा के बिना विवाह नहीं करेंगे। इसे आप बारात चली लेकर, अब मिथिला बारात आ रही है। जय हो जय हो जय हो। अरे आई अवध से बरतिया है राजा जनक के द्वार। आई अवध से बरतिया हो राजा जनक के द्वार। घुड़वा चढ़ल राम सहत है दुल्हा सरकार। घुड़वा चढ़ल राम सहत आप देख रहे हैं भगवान राम जानकी के, और विजय देवी जी मालू आप देख रहे हैं।
भगवान का पूजन करने के बाद में अब दर्शन कर रही है। सुंदर झांकी राम जानकी की आप देख रहे हैं और विजया देवी जी मालू ने अभी भगवान का पूजन किया है और अब आप देख रहे हैं दर्शन कर रही है। सिद्धपीठ सालासर धाम का दृश्य आप देख रहे हैं। बालाजी के मंदिर की स्थापना के 267 वर्ष के पक्ष में भव्य वाल्मीकि रामकथा में जगत गुरु राम भद्राचार्य जी हमें कथा सुनाने हैं। आज जानकी राम विवाह का प्रसंग आप देख रहे हैं। बहुत ही दिव्य सुंदर झांकी आप देख रहे हैं राम जानकी जी की और विवाह के बाद में विजया देवी जी मालू ने भी आपने देखा भगवान राम जानकी जी के पूजन किया और विवाह पर जो विरासी भेंट की गई थी जगत गुरु राम भद्राचार्य जी को वो उनके अंध विश्वविद्यालय के लिए जारी की गई है क्योंकि भगवान की इस विवाह की कार्यक्रम में अभी आपने सुना था कि राम भद्राचार्य जी बारे में कहा था कि मैं दहेज का विरोधी हूँ लेकिन भगवान के लिए कोई दे रहा है तो इसके लिए स्वीकार कर रहा हूँ और वो उन बच्चों के लिए होगा जो विश्वविद्यालय में शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं। अब आप देख रहे हैं विजया देवी जी मालू और तमाम भक्त भगवान का पूजन कर रहे हैं उनके दर्शन कर रहे हैं। प्रतीक्षा एक बार इनको निहाल लीजिए। भद्रम ते आपकी जोड़ी को नजर न लग जाए। पाणिम गृही सपाणिना इनका हाथ पकड़िए। इतना कहकर मंत्राक्षर छोड़ा। रामचंद्र जी ने सीता जी का हाथ पकड़ा। जय जयकार हुई। फेरे हम लोग उसके भावरी कहते फेरा नहीं बोलते। ये तो आज के लौंडे फेरा बोलने लगे। भावरी पड़ी। हम लोग कहते हैं कि जब तक पहली भंवरी आए तब तक सीता बेटी बाप की। जब तक पहली भंवरी आए तब तक बेटी बाप के साथ, उर्मिला जी का विवाह लक्ष्मण जी के साथ, श्रुत कीर्ति का विवाह शत्रुघ्न के साथ, चारों दुल्हा चारों दुल्हन आनंद में। वाल्मीकि रामायण में कुछ कथा का बड़ा आनंद है। एक वाल्मीकि रामायण में परशुराम जी मार्ग में मिल रहे हैं। विवाह करके चारों चल रहे हैं। सीताराम मांडवी भरत उर्मिला लक्ष्मण और सुतकीर्ति शत्रुघ्न बड़ी प्रेम से बारात आ रही है। उसी समय थोड़ी उत्पात हुए। सब लोग डरे। वशिष्ठ जी का डरो मत सब मंगल होगा। से दाहिने आ रहे हैं मंगल होगा। एक प्रकार का बाउंडल आया चक्रवाती तूफान आया और देखा तो परशुराम जी आ गए। बारात रुक गई। परशुराम जी का सबने स्वागत किया। परशुराम जी ने कहा राम जी कहाँ हैं? हो तो तपत महेंद्र शैल बैठो हो तो आप ही ते कीने तैने कोप को सहार है। कानन परी ही आए बद्रपात ही सी मानो गुरु के कोदंड खंडिवे की झनकार है। चौक फरो चारों ओर चिते चल दीनो चट उपजो नवीन गुरुद्रोही को हमारे है। तीनों जो अकाज छाड़ दे सो समाज आज
कहा रघुराज कौशलेंद्र को कुमार है। जी हूं। परशुराम जी ने कहा बोरों सबे रघुवंश कुठार के धारते बारहवीं बाज सरत है बाण के बेग उड़ाई के लखन लक्ष्य करूं अरिहा समर्थ है राम ही बाम समेत पठे बन कोप के भार में भूजू भरत है अरे जो रघुनाथ धरे धनु हाथ को आज अनाथ करूं दशरथ है। अंत में राम जी को बुलाया राम अब तक तो मैं ही राम था तुमने शंकर जी का धनुष तोड़ दिया लगता अब तुम आ गए मेरा अवतार पूर्ण हो रहा है पर मैं भी धनुष लाया हूं मैं भी धनुष लाया हूं उस धनुष को इतना सुनकर तब राम का सुनिए मैंने बताया ना कि वाल्मीकि के रामायण जी राम जी नपुंसक नहीं है सुनिए मेरे पिताजी आपका सम्मान कर रहे थे आप उनका अपमान कर रहे हैं शब्दावली देखिए वीरहीन विवासक्तम छात्र धर्म ने भार्गव अब जगना से मेथेगा पश्चिमेत्य पराक्रम ये भार्गव आप मेरे तेज का अपमान कर रहे हैं अब जाना से मैं तेज मेरा पराक्रम देखे इतुक्ता परमक क्रुद्ध इतना कहकर तुरंत परशुराम जी का धनुष राम जी ने ले लिया अपने आप चला गया धनुष पर पार चढ़ गया बोलिए कहां मारूं किस पर प्रहार करूं जड़ी कृते ततो लोके रामे बरधनुर धरे निर्वीर्यो जामदग्न्यो सौ मंद मंद मुदक्षता तेजो भीरिवीर्यत्वा जामदग्नि जड़ी कृते जड़ी कृत हो गए जामदग्नि परशुराम फिर राम जी से कहा राम जी अब मैं आपको जान गया अक्षय्यम मध्वंतारम जानामि त्वाम सुरेश्वर धनुषोऽस्य परामर्शात् स्वस्तितेस्तु परन्तप मैं जान गया आप परमात्मा हैं जय रघुवंश बनज बन भानु गहन गहन जयकर और कहीं मत मारिए मेरी गति को नष्ट कर दीजिए मेरे लोगों जो मैंने सब लोग जीत लिए हैं उन्हीं को नष्ट मैंने लक्ष्मण जी का अपमान किया है भागवत अपराध उस पाप का प्रायश्चित करने के लिए मैं तपस्या ले जाऊंगा इस प्रकार कहकर कितना अच्छा कह रहे हैं नचेयम तब काकुत्स्थ बीडा ब्रीडा भवित मरहति इदहम इतस्त्रैलोक कृत्वा त्रैलोक के नाथे ने इदहम विमुखी कृता आप लज्जा मत शर्माइए मत रहो आप तीनों लोक के नाथ हैं मेरा कार्यकाल पूरा हो गया अब मैं मुनि रहूंगा अवतार नहीं रहूंगा अब तो एक ही राम रहेंगे परशुराम जी चले गए और
अब दशरथ जी मूर्छित हो गए थे। राम जी ने जगाया, पिताजी उठिए। परशुराम जी गए, भगवान ने वह धनुष वरुण को दे दिया, दंडकारण्य में इंद्र के साथ भिजवा देना। और श्री रामचंद्र जी अब श्री अयोध्या आए। अयोध्या आए, बहुत अच्छा लगा। सीता जी, मांडवी जी, उर्मिला जी और सुतकीर्ति जी की माताओं ने आरती उतारी, बहुत आनंद किया। कनक भवन, सीता जी को कनक भवन दे दिया। कनक भवन दे दिया, सुमित्रा ने मणिपर्व दे दिया, कैकेयी ने कनक भवन, कौशल्या जी ने कहा कि मेरे पास तो कुछ नहीं है, राम जी ही हैं, उन्हीं को आज मैं आपको नेग में दे दे रही हूं। अब तक ये कौशल्या के राम थे, आज से सीता के राम हो गए। श्री सीताराम भगवान की जय। रामश्च सीतया सार्धम विजहार बहुनृतून मनस्वी तद्गत मनास्तस्या हृदि समर्पित। राम जी सीता जी के साथ बहुत ऋतु पर्यंत विहार करते रहे। बोलिए भक्त वत्सल भगवान की जय हो। बोले जुगल सरकार की जय, जुगल दरबार की जय, जुगल लीला की जय, जुगल धाम की जय, जुगल नाम की जय। जय जय श्री सीता राम। आरती के लिए जलते लहीन की जय। अयोध्या की जय जय जय। चारो दुल्हा की जय, चारो दुल्हन की जय, चारो दुल्हा की जय, चारो दुल्हन की जय। बोलो मिथिला अयोध्या की जय जय जय। बोलो मिथिला अयोध्या की जय जय जय। आशीर्वाद दे रहे हैं। मोती रखवाने के लिए आपसे आह्वान किया था, एक मोती रख रहे हैं। भगवान जी महाराज के जन्मोत्सव की कथा, मास्टर मोहनलाल जी मेघवाल आशीर्वाद दे रहे हैं। प्राणोत्सव की कथा और कल आपने जानकी जी के जन्मोत्सव की कथा सुनी और आज भगवान श्री सीताराम जी के विवाहोत्सव की कथा आपने गुरुदेव के श्री मुख से सुनी है। सारा सर बाला जी महाराज के प्राणोत्सव के साथ कल भगवान श्री सीताराम जी के बहुत बड़े भक्त तुलसीदास जी की तुलसी जयंती है। मुलाजी मेघवाल का सम्मान किया गया है। जयंती के अवसर पर तुलसी पिंडाधीश्वर जगत गुरु जी के श्री मुख से आप मुझे कला कथा जरूर सुने। मंच पर जो लोग ज्यादा खड़े हैं उनसे मेरा संबंध दूर है,
या मन से नीचे पधारने के रूप से कई आज उपलब्ध है। आप उसका बता रहे सभी अतिथिगणों का दुपट्टे उड़ाकर सम्मान किया जाए पुजारी जी के द्वारा। नगर अध्यक्ष वैद्य भवनलाल शर्मा और नगर परिषद उद्यान के प्रतिपक्ष नेता बुद्धि प्रकाश सोनी का सम्मान किया जा रहा है। सिद्धपीठ सालासर धाम में आयोजित 264वें स्थापना दिवस पर जितने भी अतिथिगण आ रहे हैं पुजारी परिवार माली परिवार के द्वारा उनका दुपट्टे उड़ाकर गीताजी की पुस्तक देकर स्मृति चिन्ह देकर सम्मान किया जा रहा है। आज राजस्थान के पूर्व शिक्षा मंत्री राजस्थान प्रदेश कांग्रेस कमेटी के वरिष्ठ अध्यक्ष मास्टर मोहनलाल मेघवाल आए, उनसे बातचीत करेंगे। क्या कहेंगे 264 वर्षों के इतिहास के बारे में सालासर धाम में इस दिव्य अवसर पर? एक वो स्थान है धार्मिक पॉइंट ऑफ व्यू से इस देश के अंदर पूरे देश में विख्यात स्थान सालासर बालाजी का जो है स्थान, और सालासर बालाजी धाम जो है उसमें रामकथा का आयोजन पहले भी हुआ है, कभी महाभारत का, कभी रामकथा का, कभी और कोई कार्यक्रम होते रहते हैं। 264वें सालासर के स्थापना दिवस पर जो ये कार्यक्रम विकास मालू परिवार द्वारा किया जा रहा है और मालू परिवार ने दिल खोल करके ये कार्यक्रम किया है, पंडाल देख लीजिए, बैठने की व्यवस्था देख लीजिए, लोगों को प्रसाद देने की व्यवस्था देख लीजिए, उसके अलावा जिस प्रकार से अतिथियों का सम्मान यहाँ पे किया जा रहा है वो काबिले तारीफ है। और जहाँ तक एक ऐसे संत द्वारा जो अपाइज हो, जिसकी नेत्र शुरू से ही गायब हो, उसने अनेक पुस्तकें लिखी हैं, अपने श्रीमुख से बोल बोल करके पुस्तकें लिखवाई गई हैं, वो इस देश में विदेश में एक ख्याति प्राप्त पुस्तकें हैं। और जगतगुरु के साथ साथ ये कहना चाहूँगा, देखो जगतगुरु तो ये आई, दृष्टिहीन होने के बावजूद जिस प्रकार से इन्होंने अपने श्रीमुख से बोलकर किताबें लिखी हैं वो अपने आप में बहुत बड़ा मायना रखता है। मैं ऐसे जगतगुरु के प्रणाम करना चाहता हूँ। मैं भी वहाँ आरती में शामिल हुआ था, और जब मैं आरती में शामिल हुआ तो उन्होंने, उनके जो शिष्य थे उन्होंने परिचय कराया, तो उन्होंने बहुत थप्पी देकर कहा कि बहुत अच्छा, आप फलें फूलें, आपको मैं आशीर्वाद देता हूँ, और उन्हें अपने हाथों से माला पहनाई। तो ऐसा संत मैं तो, मेरे को तो देखा तो है नहीं, इन्होंने जानते हैं नहीं, लेकिन साधारण सा परिचय कराने के बाद उसके मन में हो सकता है किसी प्रकार की भावना मेरे प्रति जागृत होगी, अच्छी जागृत होगी। अभी आपने देखा हो जगह जगह बसें लगा रखी हैं, यहाँ से 40-50 किलोमीटर बसें हर गांव में भेजने से गांव के लोग, खेतीबाड़ी का काम होने के बावजूद यहाँ पे कोई कुर्सी खाली नहीं थी, कोई जगह खाली नहीं थी, लोग रामकथा तो सुनते ही सुनते हैं, रामकथा सुनने के साथ साथ उनमें धार्मिक भावना होती है तभी आ जाता है। और बालाजी महाराज की कृपा से, क्योंकि सालासर धाम बालाजी महाराज की कृपा से आपको मालूम है कि हमेशा पूरे देश विदेश के अंदर ख्याति प्राप्त कर रहे हैं। आप जैसे लोग पूरे अपने टीवी चैनल के माध्यम से लोगों को घर बैठे आप दिखाते हैं, ये आपका चैनल SCN चैनल है, ये चैनल भी, इस चैनल को भी लोग धन्यवाद, चैनल को धन्यवाद देते हैं, चैनल का धन्यवाद। यूट्यूब पर वर्ल्ड देख रहा है, पूरा वर्ल्ड देख रहा है यूट्यूब पर देख रहा है। अब यूट्यूब पर वर्ल्ड देख रहा है तो आपको धन्यवाद ही दे रहे हैं ना, अब चैनल को धन्यवाद थोड़ा ही है, वो तो चैनल को बनाने वाले को धन्यवाद दिया जाता है। और बनाने वाला जो तिवाड़ी जी महाराज है, तिवाड़ी जी का खटका है, भी तिवाड़ी जी का खटका ही है, मैं भी देखता रहता हूँ तिवाड़ी जी का खटका, कभी तिवाड़ी जी मारवाड़ी बोलते हैं, कभी तिवाड़ी जी हिंदी बोलते हैं। और तिवाड़ी जी अपने आप में एक चैनल का, मैं समझता हूँ इस चैनल को प्रसिद्धि दिलाने वाला तिवाड़ी है। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद आशीर्वाद के लिए। आज बालाजी महाराज के दर्शन के परम भक्त हैं बाबा के, बहुत धार्मिक प्रवृत्ति के इंसान हैं, और सही कह रहे हैं कि एक और जहाँ सब कथा सुनने के लिए आ रहे हैं, एक और हनुमान जी महाराज का आशीर्वाद प्राप्त कर रहे हैं,
और पुजारी परिवार के द्वारा व्यवस्थाएं की गई हैं उसकी जमकर सराहना कर रहे हैं मौलाज मेघवाल, पूर्व शिक्षा मंत्री राजस्थान सरकार। ये था सिद्धपीठ सालासर धाम से हमारा खास कार्यक्रम, जहाँ पर मोहन धाम में बालाजी मंदिर की स्थापना के 264 वर्ष के उपलक्ष्य में भव्य वाल्मीकि रामायण रामकथा का आयोजन हो रहा है, जिसमें जगत गुरु पद्मभूषण रामभद्राचार्य जी मुखारविंद से हम भगजन कथा अमृत का पान कर रहे हैं। आज हमने पांचवें दिन की कथा अमृत का पान किया, जिसमें भगवान राम जानकी विवाह की बहुत सुंदर कथा हुई और पुजारी परिवार और माली परिवार के द्वारा बहुत सुंदर ढंग से कार्यक्रम को आयोजित किया गया। आपसे निवेदन है कि कथा का समय प्रातः 9 बजे से 1 बजे तक का रहता है, आप अवश्य कथा श्रवण करने के लिए बालाजी के मंदिर में दर्शन करने के लिए जरूर पधारें। ऐसे अन सुधा के लिए मैं शिव कुमार तिवारी अपने सहयोगी ज्ञान प्रकाश के साथ आप सबका धन्यवाद, नमस्कार।